हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसमें आपको पहले वर्ड समझ लेना है पूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता है संपूरक, ओके, एक होता है पूरक। तो संपूरक और पूरक में क्या अंतर है ये पहले समझ लीजिए, क्योंकि आगे ना ये सब दोनों शब्द आएंगे आपके पास। संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण होता है 180 डिग्री जिसका सम हो, यानी कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और ये जो पूरक लिखा है, पूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का सम दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आए, 90 डिग्री आए तो पूरक कोण, और 180 डिग्री आए तो संपूरक कोण। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे यही पढ़ना है। इसने क्या दिया हेडिंग देखो, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी अब हम पूरक कोण जो भी कुछ सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे जरा देखिए। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा, नहीं तो 10th में भी पढ़ा ही होगा। तो हम इसे ऐसे नाम दे सकते हैं, ये एंगल 3 है, ये एंगल का निशान है जो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ बार बार। तो तीन एंगल है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला तो हमेशा 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है बी पे। तो ये कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर, यानी कि इस एक को और दो को जोड़ने पर, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करने पर जो आएगा उसे हम पूरक कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे? पूरक कोण। क्यों भाई? 180 होता है तीनों का जोड़, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 तो हुए। क्यों? क्योंकि ये तो 90 है ही, 90 है तो ये दोनों बच गए 90 के, तो वही बात कर रही है। ठीक है ना, तो आइए हमें जो सीखना है उस पर चलते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ तो करना नहीं है। तो आइए जो सीखते हैं, जो हम सीखना है वो चल उस पे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपके जो है कि क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूले सीखने समझने हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके 6, यही 6 फॉर्मूले हैं पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, देखिए अगर कभी भी साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो, 90 माइनस थीटा बोलिए या एंगल बोलिए ए, तो कॉस ए लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हो, 90 माइनस ए लिखा हो, तो उसको हम साइन ए लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही टेन 90 माइनस ए, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉट ए। ठीक ऐसे ही है यहाँ पे, कॉट 90 माइनस ए, तो उसको हम लिख सकते हैं टेन ए। जो आपको मैंने 8.1 एक्सरसाइज में बताया था आपको मैंने कि भाई एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी साइन किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो यहां पर याद कर लीजिए, 90 माइनस करोगे तो उसका रिवर्स वाला आए, ओ सॉरी, यहां पर रिवर्स आएगा। ठीक है, नहीं तो 8.1 हमने क्या पढ़ा था कि साइन किसके इक्वल, साइन किसका उल्टा है? कॉसेक का उल्टा है, हमने ये पढ़ा था, है ना, ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लगाना है, यहाँ पे पूरक कोण की बात हो रही है, तो पूरक कोण में ये अपोजिट होते हैं, साइन कॉस का, टेन कॉट का। ठीक है, टेन कॉट का होगा और सेक हो गया कॉसेक का। तो सेक 90 माइनस थीटा देखिए क्या है, कॉसेक ए। तो बिल्कुल सिंपल है याद करने में। ठीक है, ये तीन याद कर लीजिए, तीन आप आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे साइन 90 माइनस ए लिखेंगे कॉस ए, टेन 90 माइनस ए लिखेंगे कॉट ए, और सेक 90 माइनस ए लिखेंगे कॉस ए के। ठीक है, अब इसका अगर हमें ये तीनों बताने हैं तो इसी का रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब कि 90 यहाँ पे साइन की जगह लिख दो कॉस, तो साइन 90 माइनस कॉस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए। ऐसे कॉट 90 माइनस ए लिखेंगे तो क्या आएगा? टेन ए। और कॉसेक 90 माइनस ए लिखेंगे तो क्या आएगा? सेक है। ठीक है, तो ये आपके 6 फॉर्मूले हैं और इन्हीं को अभी हम लगाएंगे। ठीक है ना, अब कैसे यूज करेंगे आइए जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है कि टेन नाइन टेन 0 डिग्री, उसे छोड़िए चलिए, वो तो उसने ऐसे समझाने के लिए आपको बताया। देखिए अब जैसे यहाँ पे है टेन 65 डिग्री दिख रही है, और फिर नीचे दिया है कॉट 25 डिग्री, है ना। अब एक चीज आपको ध्यान दूं, ध्यान देने वाली जरूरी है, वो ये है कि आपको हमेशा देखना है कि भाई पूरक कोण किससे बन रहे हैं। पहले इन दोनों को देखिए, चेक करिए क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आ रहा है, इसका मतलब इन्हीं दोनों में से किसी एक फंक्शन को चेंज करना है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए जरा ध्यान से, इन्हीं दोनों में से किसी एक फंक्शन को चेंज करना है। जैसे मान लीजिए मैंने टेन ए लिखा, टेन ए, चाहे डायरेक्ट फॉर्मल लिख देता हूँ, जैसे टेन 90 माइनस ए क्या लिखूंगा जी? टेन अगर 90 माइनस ए लिखूँ तो मेरे पास एंगल क्या आएगा, या थीटा लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो मेरे पास आएगा कॉट ए, क्या आएगा? कॉट ए। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से देखिए और समझिए पहले इस चीज को कि 90 माइनस ए लिख दूं तो कॉट ए आएगा। ठीक
ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, देखिए या तो आप, मैं बता रहा हूं आपको, या तो 65 को आप डायरेक्ट 65 लिखो, ठीक है, या इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो मैं 65 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, मान लो मुझे घुमा के बोलना है कि मेरे पास इतने रुपए हैं, कितने, 65, और घुमा के बोलना हो तो मैं किसी को उल्लू बनाने के लिए बोलता हूँ कि भाई मेरे पास तो 90 माइनस 25 रुपीज है, तो वो कहेगा 90 माइनस 25 रुपीज क्या होता है। तो 65 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 65 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब हमें 65 की जगह ये पूरी वैल्यू यूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए वही किया गया है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 10, अब यहाँ पे लिखेंगे 10 65 की जगह हम लिखेंगे भाई 90 माइनस 25, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इस फॉर्म में आपको बनाना है, यानी इस फॉर्मूले के अनुसार आपको ढालना है इसको। और अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में जो है वो लिख दो जी, अपॉन में है कॉट 25, ठीक है। अब जब ध्यान से देखो ये चीज कैसे लिखी है, ऐसे, ठीक है, यानी यहां पे जो एंगल था उसी को हमने यहाँ कॉट के साथ लिख दिया। अब आप ये चेक करिए यहां पे क्या एंगल है, यहां पे कौन सा एंगल है, 25 है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला भी आएगा कॉट, क्या आएगा भाई, कॉट आएगा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा कॉट कॉट थीटा होता है। तो कॉट ए हम लिख देंगे यहाँ पे, यानी सॉरी ए नहीं लिखेंगे, 25 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 25, क्योंकि जो एंगल होगा वही होगा। तो यहां पे आ जाएगा कॉट 25, ओके, और अपॉन में कॉट 25 नीचे ऑलरेडी है पहले से, ठीक है। तो कॉट 25 ऊपर से आ गया और कॉट 25 कहां से आ गया, नीचे से, ठीक है ना। तो अब जो है कि ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 1 आ गया। आंसर क्या आ गया जी, 1, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मैंने कॉट में चेंज किया, इसने देखिए 10 में चेंज करके सॉल्व किया है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नीचे वाला भी सॉल्व कर चेंज कर सकते हो, ऊपर वाला भी कर सकते हो। तो मैंने ऊपर वाला चेंज किया तो कॉट 25/25 आया, ठीक है। और जब इसने क्या किया, इसने नीचे वाले को चेंज कर लिया कॉट 25 को, देखो यहां इसने कॉट 25 को चेंज करके 10 90 माइनस 25 लिख दिया, और फिर इसी चीज को घटा कर इसने यहाँ पे लिख दिया 10 65 डिग्री, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऊपर वाली वैल्यू चेंज करो या नीचे वाली चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल्स। अगर मैथ के नियम के अनुसार है देन देर इज नो वरी अबाउट द क्वेश्चंस। तो चलिए आगे देखते हैं, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। आइए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं और फिर आपको समझाते हैं, फिर मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है sin 3a इक्वल है कॉस ए माइनस 26 हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सब समझना भी जरूरी है, ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये कहा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न में कि भाई जो 3a है वो न्यून कोण है। अब एक चीज समझ लें आप ध्यान से और जान लें कि 90 डिग्री से कोई भी कम होता है अगर एंगल, अगर 90 डिग्री से कोई भी एंगल कम है तो इसका मतलब होता है कि वो न्यून कोण है। अगर 90 है तो सम कोण है और 90 से ऊपर है तो अधिक कोण है, दैट्स मीन ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। तो चलिए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, इस पे जरा निगाह डालिए अपनी। अब ये क्या कह रहा है भाई, ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए का। जब कभी भी आपको बोले कि ऐसे वैल्यू निकालो तो आप क्या करोगे, जो रिलेशन है इस रिलेशन को पहचानो। अब देखो एक साइन में है और एक कॉस में है ना, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, मान लो इसी को चेंज कर लेते हैं, इसी वाले को। तो अब देखो यहां पे जरा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं जी, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ओके। ये फॉर्मूला नहीं कि कहीं अगर हमें ऐसा दिखाई दे तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ओके, या फिर कहीं हमें साइन थीटा दिखाई दे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। तो हम किसी भी तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चेंज करना चाहते हैं। तो भाई मैं तो इसको चेंज करूंगा साइन थीटा को, यानी साइन 3a को चेंज करूंगा, किसको चेंज करूंगा, साइन 3a को, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अब इसी को चेंज करूंगा, यानी कि मैं यहां पे पहले क्वेश्चन में पूरा लिख रहा हूं साइन 3a ओके इक्वल कॉस ए माइनस 26 है, क्या ये ए माइनस 26 ओके। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखिए साइन थीटा क्या लिखा है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा हमारे यहां पे, ये बन जाएगा साइन। अब वही चीज साइन इसे कैसे लिख सकते हैं ऐसे कॉस, तो यहां पे सॉरी साइन नहीं लिखेंगे, फिर एक मिनट मैं ओपन कर रहा हूं ना, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिखूंगा ठीक है। साइन को मैं यहां पे लिखूंगा कॉस, अगर मुझे 90 माइनस थीटा में लिखना है तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह यहां पे क्या है भाई, जो भी होगा एंगल वो लिख दीजिए, तो यहां 3a है तो 3a लिखेंगे ओके। इक्वल टू यहां देखिए, यहां पे हमारे पास क्या था पहले से, तो हमारे पास पहले से था कॉस यहां पे ए माइनस 26 ओके। अब क्या होगा इस कंडीशन में, आप देखोगे दोनों तरफ सेम फंक्शन है, तो ये फंक्शन इससे कट जाएगा और आपके पास जो वैल्यू बच गई क्या बच गई 90 माइनस 3 a ओके। एक इक्वेशन बन गई सिंपल, और इक्वल टू में a माइनस 2 ओके, 2 नहीं सॉरी 26, वो 6 दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ध्यान से देखिए, ए ए एक तरफ कर लीजिए है ना, इसमें दो दो चीजें, एक वेरिएबल एक संख्या है, संख्या संख्या एक तरफ कर लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ 3a को उधर भेज देता हूँ और 26 को इधर ले आता हूँ, तो 90 प्लस में 26 क्यों, क्योंकि उधर माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये जो ए दिख रहा है आपको, ए लिख लीजिए और जो माइनस का इसे प्लस कर दीजिए ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 3a ओके, तो यहां पे हो जाएगा क्या 4a और ये हो जाएगा 116 ठीक है। 4a इक्वल आ गया 116, तो a इक्वल क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दो इसको, आपका आंसर आ गया। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 नवा 36, 29 डिग्री आई, कितनी आ गई 29 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। देखिए ये भी 29 डिग्री इनका भी आया है, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक बात बता दूं, आप अभी जैसे मैंने समझाया वैसे करिएगा, अगर बुक का देखोगे तो फिर कंफ्यूजन भी हो सकती है। हालांकि इसने भी वैसे ही किया, देखिए जैसे हमने किया वैसे ही यहां भी किया हुआ है ओके। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया ये वाला, ये बहुत आसान है और क्वेश्चन भी जल्दी फंस जाता है इसका, क्योंकि आ जाता है ठीक है ना। अब जो जो यहाँ पे हमारे छात्र पढ़ रहे हैं ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ठीक है। तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, आराम से सॉल्व करिएगा ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे, ध्यान से पढ़िए जरा, क्या लिखा है, लिखा 1048, 23, 1042, 1067 और हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है ओके। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए वापस रूल पे, पूरक कोण ढूंढते हैं। पूरक कोण मतलब कि जिन दो कोणों को जोड़ के 90 डिग्री बन जाए, तो देखिए ये और ये ऐड करके 90 डिग्री बन रहे हैं ठीक है, और ये ऐड होके 90 डिग्री बना रहे ना। तो हम क्या करेंगे, पूरक कोण बनाते हैं, तो पूरक कोण का पेयर तो मिल गया, अब इन्हीं में से किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को मतलब पूरक कोण के जो जोड़े बन रहे हैं उनमें से किसी एक को चेंज करना है। अब जैसे 1048 वाला है, इसका जोड़ा है 1042, तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। ऐसे ही 1023 का 1067 के साथ जोड़ा बन रहा है 90 का, तो इनमें से किसी एक को चेंज करोगे, तो आपकी मर्जी है ठीक है। तो चलिए चेंज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पे क्या बन जाएगा, देखिए 1048 को तो मैं 1048 ही लिख लेता हूं
ठीक है, और इनटू में 10 23, ओके। इसके बाद अब देखिए ये जो 10 42 है, फिर वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको माइनस करके लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक बार मैं ओपन करके यहां पे देखिए, मैं हमेशा आपको फॉर्मूला खोल के लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 90 माइनस कितना 48, अरे ऊपर चला गया ज्यादा, 90 माइनस क्या लिखूंगा 48, तभी तो 42 आएगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने, और इनटू में 10 67, 10 67 डिग्री, ओके। और ध्यान रखना ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड, ओके। ये वाला सवाल हम सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 लाएंगे। अब आप देखो एक और रह गया था 10 67, इसको भी लगे हाथों चेंज कर लेते हैं, क्यों इसकी भी जरूरत है हमें, तो ये 67 को मैं हटा के यहां लिख देते, क्योंकि देखो ये भी 90 बना रहे हैं ना, तो पूरा कोण के जोड़े में से किसी एक को चेंज करना होता है, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस, ठीक है। 67 कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना लिखेंगे 23, इतना ही तो आएगा, तभी तो 70 बनेगा, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा है लेकिन यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं किया, ध्यान से देखो 10 का 10 ही रहने दिया, यहाँ भी 10 का 10 ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि मैंने 40 यहाँ पे 42 की ही वैल्यू लिखी है, यहाँ पे 67 की ही वैल्यू लिखी है, जब हम घटा के लिखेंगे तब वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। यानी कि सेम है, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, जो अपोजिट में पूरा कोण में लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा 48 लिखा है ना, तो इतना आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दू, 10 90 माइनस 48 तो कितना होगा, 42 होगा, ठीक है। यहां पे अच्छा लगता है मैंने मिस्टेक की है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 42 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं किया है, जब तक फंक्शन चेंज नहीं कर सकते नहीं होगा, तब तक नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपकी वैल्यू बन जाएगी, इसको तो ऐसे लिखिए 20 10 23, ओके डॉट। देखिए यहाँ पे जैसे वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 23 लिखा है, इसको घटा के लिखा है, अच्छा एक मिनट रुकिए, 67 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 90 माइनस 23, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ध्यान रखिए आप यहां पे, ठीक है, समझा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 10 67 लिखिए इसको, या इसी को ऐसे लिखिए 10 90 माइनस, ठीक है, ओके। तो ये अभी तक 10 ही है, अभी तक ये 10 ही है, ठीक है। जैसे ही हम इसको घटा देते हैं, ठीक है, घटाने के बाद क्या आएगा, यहां पे घटाने के, अगर घटा दोगे तो फिर 67 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर फंक्शन नहीं बदलेगा। अगर आप 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फंक्शन बदलेगा, तो अब ये बन जाएगा क्या, कॉट 23, ठीक है। अब इस पर जो एक्सपेंडेड फॉर्म था वो हट गया, ठीक है, तो ये ऐसे था, इसका मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसका मतलब यहाँ पे सही लिखा था, ठीक है। तो यहाँ 48 ही आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन को अभी माइनस नहीं किया है, सॉरी पहले सही लिखा हुआ था, क्लियर है सब। तो भाई यहाँ पे हमने 20 23 का 23 लिखा हुआ है, अब इसको हम चेंज कर देंगे, अब हम घटाएंगे तो चेंज कर देंगे, हम इसको क्या बना देंगे, कॉट, कॉट यहां देखिए कितना लिखा है 48, और यहां पे भी क्या लिखा है 48, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, ऊपर एक बार फॉर्मूले में दिखा दूं आपको, 10 90 माइनस ए कॉट ए, ठीक है, जो यहां पे लिखा होगा वही यहां लिखा जाएगा, बस फंक्शन चेंज कर देंगे। तो अब हम यहां पे फंक्शन चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 48 कॉट का, ठीक है डॉट। अब 10 90 माइनस 23, तो यहां भी क्या लिखेंगे, कॉट 23, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होती है लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, एक बार कंफ्यूजन दूर हो गई तो हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर इक्वल लगेगा यहां पे,
ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला क्या था, देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला क्या है यहाँ लिख के दोबारा समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि भाई जब हमने कल या कल से पहले वाली क्लास में कि साइन थीटा ठीक है अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा, ठीक है ना। अब ऐसे मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि कॉस इसी का उल्टा यानी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये भी ये किसका होता है, ये कॉट का होता है, यानी कि साइन का जो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, और ये हो गया आपका क्या कॉट थीटा। ये उधर ज्यादा चला गया, 1 मिनट, ये क्या हो गया कॉट थीटा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अब जरा देखना क्या आएगा। ये मैं आपको टोटल समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना डायरेक्ट भी मैं लिख के आपको डायरेक्ट बता देता कि ये ऐसे ऐसे ये वैल्यू हो। ठीक है ना, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये तो टेन की वैल्यू हो गई, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब कॉट की वैल्यू रख रहा हूं मैं, कॉस थीटा, ज्यादा घूम गया क्या ये, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ओके। बहुत दिक्कत होती है हाथ से लिखने पे, पेन पता नहीं लॉकडाउन कब खत्म होगा। अब जरा यहां ध्यान से देखो आप, ये ऊपर है इससे कट जाएगा, और ये भी नीचे है वो ऊपर है तो इससे कट जाएगा, तो ओवरऑल जो इनकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वन, ओके। ओवरऑल वैल्यू क्या आई, वन आई। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि टेन थीटा और कॉट थीटा अगर गुणा में हो तो उनकी वैल्यू हमेशा वन आएगी, क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है। तो अब आइए, लेकिन कंडीशन यह है कि दोनों के एंगल एक जैसे होने चाहिए बेटा, ऐसे नहीं कि अलग अलग एंगल होंगे तो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे था, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग एंगल था टेन में, ठीक है, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दो को चेंज कर लिया कॉट में, किसमें चेंज कर लिया, कॉट में, ठीक है। तो यही कारण है कि अब हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली इधर जी, अब आप देखो 1048 कॉट 48 मल्टीप्लाई करके क्या आएंगे भाई, मल्टीप्लाई करके वन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो दूर दूर लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही 1023 और cot 23 दोनों के एंगल एक जैसे हैं, तो यहां से भी मल्टीप्लाई करके आएगा वन, और क्यों आएगा मैंने आपको वहां पे सिखाया अभी। तो अब ये वन से वन मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वन आएगा। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर दिया कि भाई हमने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर, ओके। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से ये रहेगा कि आपको अगर कभी समझ में भूल गए, आप कहीं भूल गए हो तो आप दोबारा से जो है कि इसको देख के समझ जाओगे, ठीक है। अब चलिए इसी का, अब ये वाला मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये वाला आपके लिए छोड़ता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा इनमें ना, इनमें पूरक कोण इसी तरह बन रहा है, इन दोनों का आपस में बन रहा है, तो किसी एक को चेंज कर लेना, और इन दोनों में भी 90 डिग्री बन रहा है, पूरक कोण बन रहा है, तो जिनके बनते हैं उन्हीं में से कोई एक चेंज करते हैं हम, ठीक है, तो चेंज कर लेना। और हालांकि ये भी बना रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात, इन दोनों को भी कर सकते हो या इन दोनों को भी कर सकते हो, बस हमें 90 डिग्री बनना चाहिए, सिंपल सी बात है, ओके। तो आगे देखिए, अभी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये भी मैं आपके लिए छोड़ूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन बताऊंगा इनमें से, ये जो थर्ड से लेकर 6th तक है, ठीक है, वो बताऊंगा, और 6th वाला क्वेश्चन भी मैं ही बताऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, मैंने असाइनमेंट डाला नहीं था लास्ट टाइम, अभी मैं असाइनमेंट डाल दूंगा, ठीक है, गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाना जो भी ऐड नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जी 10 2a, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, रुकिए, 10 2a इक्वल है कॉट ए माइनस में 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, ओके। तो a का मान ज्ञात करिए, अभी हमने ऊपर ये जो एग्जाम्पल किया था इसमें a का ही मान ज्ञात किया था, ये देखो
हमने क्या किया था, एक मान ज्ञात किया था यहाँ पे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है हमें। ओके थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, इधर आ जाइए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे इसको भी सॉल्व करना है, जगह इस तरफ है इसी तरफ सॉल्व करेंगे। चलिए तो फिर वही चीज कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि 10 90 माइनस थीटा, हम क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस थीटा हो तो हम उसको लिखते हैं कॉट थीटा। क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। ओके तो अब ये देखो ऐसे लिखो, किसी को भी चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, किसी को भी कर सकते हो, है ना। 10 90 माइनस थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि 10 10 थीटा को हमें खोलना है। ओके तो 10 थीटा को खोलेंगे तो क्या बनेगा, वो बनता है कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे बनेगा, यानी 10 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसी 10 को ऐसे लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, क्लियर है। तो चलिए लिखते हैं। अब जैसे इसी के नीचे अगर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं अपना, तो देखो आप समझ जाओगे आराम से इसको कैसे खोलेंगे। मान लो मैंने इसकी वैल्यू जो वहां पे हमारे क्वेश्चन में दी हुई है कि 10 2 थीटा है, 2a है, सॉरी 2a लिख देते हैं, जो दिया होगा एंगल वही लिखिएगा, 2a। ओके तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट, ठीक है, 90 माइनस थीटा की जगह क्या दिया है, 2a, तो a लिख दीजिए। ओके अब आप खुद देखो, यहां पर मैं अब 10 2a की जगह क्या लिखूंगा, कॉट 90 माइनस 2a, और इधर भी क्या है, कॉट का फंक्शन है, तो हमारा सवाल अब हो जाएगा। अभी ये भी वैसी इक्वेशन बनेगी कि कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है कॉट जो हमारे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कॉट ए माइनस 18, किसके इक्वल है, ए माइनस 18। ओके अब आप देखिए ये कॉट इस कॉट से कट जाएगा। ओके और वैल्यू जो आपके पास क्या बच रही है, वैल्यू में आपके पास इधर बच गया कि 90, बिल्कुल वैसे इस क्वेश्चन हो गया, माइनस 2a, क्या हो गया, 90 माइनस 2a इक्वल में a माइनस 18। ठीक है, अब a a एक तरफ कर लीजिए और नंबर नंबर एक तरफ, तो मैं 90 को इधर ही रहने देता हूँ, माइनस 18 को इधर लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 18। ओके और इक्वल में इधर a ऑलरेडी रखा हुआ है, और वो जो 2a है उस तरफ का, उसको इधर लाता हूँ माइनस में उधर, तो इधर आके वो भी क्या हो जाएगा, प्लस में। अब आप देखिए अगर आप 2a और 1a जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3a, और यहाँ कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या होगी, आई थिंक 30, ठीक है, इसको पहले डिवाइड करते हैं, 36 मुझे दिख रही है, क्योंकि 18 तिया ये 36 के 108 होता है जहां तक मुझे याद है। चलिए डिवाइड कर दीजिए, यहाँ इक्वल का निशान लगा देते हैं, तो जी आ गई लो आपकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू आ गई 36, 3 3 9 और 3 6 18 हो गया, तो ये ए की वैल्यू हो गया आपके पास 36। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस भी कैसे करेंगे हम, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए वही तरीका है, ठीक है ना, जैसे हमने ऊपर आला किया। और कई कई प्रूफ करने को आते हैं, उसका टेंशन नहीं लेना, जैसे ए प्लस बी 90 डिग्री करना है प्रूफ, तो ये भी आप आराम से कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बस आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना। ओके ऊपर वाला 4 वाला भी जो कि आप कर सकते हो। यहाँ पे 6 करवाए, या सूरज कह रहे हैं, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जब हम सॉल्व करते हैं तो
तो यहाँ पे पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है कि अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसे एक बार रफ करके देखती हूँ, स्पेस है नीचे, यहाँ पे स्पेस है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी तक तो मैं डायग्राम बनाता था हाथ से, बहुत घटिया ट्रायंगल बनाता था, आज मैं इससे बनाऊंगा क्योंकि मुझे मिला हुआ यहाँ पे। ये मैंने कल थोड़ा एक्सप्लोर किया था, थोड़ा एक्सप्लोर किया तब मुझे दिखा यहाँ पे, मैंने कहा तो सही है जी, ये ऊपर लेना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं, एक बड़ी शेप बनाएंगे। तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे। अब बढ़िया ट्रायंगल बनेगा बिल्कुल। ठीक है, अब बढ़िया ट्रायंगल दिख रहा है ना, बिल्कुल मस्त। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए और समझिए, ये 90 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जी एबीसी, एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। चलिए तो पहले एबीसी लिख ही लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ए, ये कोण है, ये कोण होता है ठीक है ना, अंदर वाला, और ये वाला कोण हो गया बी, ये मैंने बी पॉइंट लिख दिया, और ये वाला पॉइंट हो गया सी, इस वाले एंगल को हम सी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन एंगल आ गए, एंगल ए बी सी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि ए बी सी के अंतः कोण है। अच्छा ठीक है, अंतः कोण तो हमने दिखा दिया, अंदर के कोण है, दिखाइए कि ये हमें प्रूफ करना है। स्टेटमेंट देख लीजिए पहले ध्यान से, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें क्या लिखा रहा है देखिए, तो जरा बी प्लस बी, ए बी सी तीनों लिखा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें ए बी सी तीनों लिखा हो, इसका मतलब है तीनों एंगल का कुछ ना कुछ यहाँ किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज लेके आते हैं यहाँ पे। और बेसिक चीज क्या, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस में बी और प्लस में सी। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम लिखेंगे कितना, 180 डिग्री। ओके ठीक है ना। अब आइए प्रश्न की दोबारा से देखना पड़ेगा आपको, यहां देखिए क्या लिखा है, बी प्लस सी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी प्रूफ करना हो ना, तो प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो। अब देखो ये क्वेश्चन भी बता रहा है हमें, कैसे बता रहा है, ये कह रहा है जी बी प्लस सी निकालो फिर 2 से डिवाइड करो। तो हम बिल्कुल वही करेंगे, हम क्या करेंगे कि बी प्लस सी को यहां छोड़ते हैं और इस ए को उधर भेजते हैं। ठीक है, चलिए भेज दीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, यहां पर हम लिखेंगे बी प्लस में सी। ओके, और ए को भेज देते हैं जी इधर, क्योंकि अभी हमें बी प्लस सी सबसे पहले चाहिए। ठीक है, इसको लिख देते हैं ए। ओके, ए आ गया इस तरफ। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये भी कह रहा है जी 2 से डिवाइड भी करो बी प्लस सी को। तो ठीक है जी, कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे लिख, अच्छा यहाँ पे ना एक बेटा पीछे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कोण योग गुणधर्म। क्या होता है कोण योग गुणधर्म, हिंदी में इसे बोलते हैं कोण योग गुणधर्म, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। कोण योग, ज्यादा बड़ा हो गया मात्रा, गुणधर्म। ओके, कोण योग गुणधर्म, क्या बोलते हैं, कोण योग गुणधर्म। ओके, तो हमने लिख दिया। अब वापस प्रश्न पे आते हैं कि 2 से डिवाइड करना है बी प्लस सी को। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे, लिखना तो पड़ेगा बेटा, स्टेटमेंट जरूर लिखना थोड़ी थोड़ी, ठीक है, भले थोड़ा छोटा ही लिखो। जैसे मैंने लिख दिया समीकरण को 2 से भाग देने पर, किससे, 2 से, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 ऐसे लिखना है, 2 से भाग देने पर। ये प्रॉब्लम हो रही लिखने में यार, अंगूठा छिल गया मेरा तो लिखते लिखते। चलिए 2 से भाग देते हैं, अब 2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा जी, अब 2 से भाग ना सिर्फ एक तरफ नहीं देना, ये भी ध्यान रखना कहीं एक ही तरफ लगो देने भाग, क्योंकि हम किसी इक्वेशन में जब डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ करना पड़ता है, जो भी हम एक भी चीज कोई अगर करते हैं तो वही ऑपरेशन हमें दोनों तरफ करना पड़ता है। तो 180 माइनस में ए। ओके,
तो 2 से डिवाइड कर रहे तो भाई पूरे के, चाहे अलग अलग भी लिख सकते हो, पूरे के बटे में भी लिख सकते हो, तो मैं पूरे के बटे में लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो इसको अलग भी लिख सकते हो, देखो 180 अपॉन में 2, ठीक है, और माइनस तो माइनस लिख दो, ए अपॉन में 2, ठीक है। अब इस चीज को देखो, ये बेटा क्या बन गया, ये बन गया आपका, चलिए अब यहां पे दोबारा से लिखते हैं एक बार, कि b प्लस सी इक्वल क्या आ गया हमारे पास, b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल हमारे पास आ गया है 90। देखो 180 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या बनेगा, 90 बनेगा, तो 90 माइनस में ए अपॉन 2, ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, क्लियर है। तो अब आप ये चीज देखो, यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि हमने उस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू बना ली, ठीक है ना, हमने एक एक्सप्रेशन की क्या करी, वैल्यू बना ली, और वैल्यू बना के हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे, हमने ये सीखा कि भाई बी प्लस सी अगर दिया हो, बी प्लस सी अपॉन में 2 दिया हो, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 90 माइनस में ए अपॉन में, ठीक है, 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हो गया सवाल, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है बच्चे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं क्या करूंगा कि साइन, ठीक है, साइन, अब यहां देखिए क्या लिखा है, बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है, तो बी प्लस सी अपॉन में 2 क्या है, यहां पे देखो आप, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे जी 90 माइनस ए अपॉन 2, ये लिखेंगे जी, ठीक है, हो गया। और इस तरफ क्या दिया हुआ वो भी देख लो, इस तरफ क्या दिया प्रश्न में, देखिए दिया है कॉस ए अपॉन में 2, तो यहां पर हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन में 2, हालांकि हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, हो गया हमारा प्रूफ, क्यों, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन में 2, प्रूफ हो चुका है। कैसे प्रूफ हुआ, अब कंफ्यूज मत हो जाना, ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, क्योंकि नाइन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इस फॉर्मूले को देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो भाई साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, यानी ए अपॉन 2 लिखा है, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा, यानी कि ए अपॉन 2 लिख दिया, तो राइट हैंड साइड इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करके राइट हैंड साइड को ला दिया, प्रूफ कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन सब कर सकते हो, ठीक है ना, और मैं आपको बता रहा हूं, अभी से बता देता हूं, कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं, कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे जोड़ के आएगा, जैसे स्क्वायर लग गया या फिर स्पेस स्क्वायर लग गया, तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको जो फंक्शन बताया गया है वैसे ही करोगे, बस सिंपल क्या होगा, एक इसमें फॉर्मूले लगते जाएंगे, तो फॉर्मूले तभी आप यूज करेंगे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या सॉल्व करना है, ओके। तो इस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हो, देख लो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, और स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। ठीक है, आइए अब इसमें एक आध क्वेश्चन जो लास्ट वाला है वही बता दूं, लास्ट वाला आप कर लेना, आप मैं ना वो खोलूंगा, आप कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा उसमें, तो ये ऐसी सॉल्व करना, यहां लिखा है कि जी साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करिए, ये क्या बड़ी बात होगी, इसको भी लिख दो 90 माइनस थीटा करके कर दो, इसको भी 90 माइनस थीटा करके कर दो, जब इसको करोगे 90 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा, कॉस 23 डिग्री आ जाएगा, इसका कॉस 25 डिग्री, ठीक है, तो इस तरह से ये न्यून कोण में आ जाएंगे, 90 डिग्री से कम में आ जाएंगे, या छोटे कोण में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे यहां पे अभी मैं आपको, एक मिनट वेट करिए, मैं डाउनलोड करके इसमें अपलोड करता हूं, जैसे हमारे पास है, आई थिंक सॉल्व तो मैंने वो डाउनलोड तो मैंने कर रखा है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ है, कहाँ है, अच्छा 9th का नहीं चाहिए, एक मिनट,
अभी जो आठवां चैप्टर है, एक मिनट यहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कितना मजा आता है इसे सॉल्व करने में। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? एक आध 127, एक मिनट रुक जाइए, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ 127। ओके, चलिए पहले से है। ओके चलिए, जब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये देख लो आप, ये तो आपको आ गया होगा, ठीक है? अब चलिए आगे, क्वेश्चन बताया तो नेक्स्ट टाइम करेंगे उससे, ठीक है ना? क्योंकि पूरी पूरी ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज का ही वो बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, तो उसको सॉल्व करने से पहले आइए अब आगे चलते हैं। ये आप सॉल्व कर लेने, बेटे आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं यहाँ पे अभी ये वाले क्वेश्चन डाल दूंगा, एक मिनट, ये वाले एक ऐड कर लेता हूं, चैप्टर 8। चल इसको रहने दीजिए, क्योंकि अभी मैंने इसको नहीं खोला, चैप्टर 8 को किया है तो मैं भूल के वो कर रहा हूं, छोड़ो। अपना कुछ फॉर्मूले है वो मैं आपको बता देता हूं, और उन फॉर्मूलों को सेव कर लेना दिमाग के अंदर, ठीक है? यानी मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में दिमाग के अंदर सेव कर लेना हमेशा के लिए, परमानेंट मेमोरी में। कुछ नीचे नीचे मेरे ख्याल से होंगे लास्ट में, समरी में। एक मिनट चलते हैं नीचे, बिल्कुल ये रहे। अब देखिए, जो आपने सारे के सारे क्वेश्चन किए ना, उन सब के जितने फॉर्मूले यूज हुए हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में कि ऐसे ऐसे जो है कि आपको आपको फंक्शंस यूज करने हैं, तो यहाँ पे दे भी रखे हैं। देखो कॉस ए क्या होगा, 1/sin A, ये फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये, ठीक है? सेक ए क्या है, 1/cos A, उल्टा होता है ना, कहते हैं उल्टा उल्टा होता है ये, यहाँ पे ऐसे होता है। tan A = 1/cot A लिख सकते हो, जहां tan आएगा वहां sin A cos A भी लिख सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। बस इसने cos A का ही दिया फॉर्मूला, sin A भी यहाँ पे लिख लीजिए, sin A, ठीक है? sin A क्या होगा, तो sin A होगा 1/cos A के, तीन से ही आप उसको उल्टा करके सीधा कर सकते हो, इन्हीं को बस घुमाना है आपको, ठीक है? 1/cos A, ठीक है? साइन ए बराबर हो गया 1/cos A। ऐसी अगर आप कॉस को लिखोगे तो कॉस थीटा क्या लिखोगे, चाहे कॉस ए क्या लिखोगे, तो कॉस ए लिखोगे आप 1/sec है, क्या लिखोगे, 1/sec A। ओके, तो ये 6 फॉर्मूले होंगे जो बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल सिंपल। और प्रूफ करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। ये देखिए, इसको देखकर डरना नहीं है, अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, बेसिक की पता चल गई कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारे यूं ही प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है? कि इसको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूफ करना है, या फिर इसको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप आंख से देख के बता दोगे कि इसका क्या आएगा आंसर, ठीक है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मैंने ट्रिगोनोमेट्री कम से कम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, कम से कम अलग अलग 3 या 4 बुकें पढ़ी, RD शर्मा हो गई, 10th की हो गई, 12th की हो गई, 11th की हो गई, खैर 12th में हमने सीखा था पूरा। फिर आपकी जो डिप्लोमा मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स जो आपको पढ़ाते हैं, आप जब एडमिशन हो जाएगा ना आपका, उसके बाद जब आप पढ़ते हो, वो भी मैं पूरी ट्रिगोनोमेट्री करवाता हूँ बच्चों को। तो इतने सारे मैंने क्वेश्चन किए हुए कि आपको मैं वो अनुभव दूंगा, तो आप आंख से देख के बता दो कि क्या आएगा आंसर, वो भी ऐसे नहीं तुक्का मार के, बिल्कुल सटीक बताओगे, ठीक है? तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और बेसिक्स याद करने पड़ेंगे। जैसे ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ओके, हर एक फॉर्मूले की वैल्यू है, ये तीसरा है, ऐसे ये चौथा, ये वाला जो यहाँ पे निशान लगाया है, ये पांचवा है, और ये छठा, एक और रह गया होगा कॉट, कॉट रह गया, इसके उल्टा लिख लेना, ये छठा फॉर्मूला है। तो इनको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद कल जो है, पहले जो अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहले इस फॉर्मूले का ऑपरेशन करेंगे हम, ठीक है? ये फॉर्मूला जो आपको लिखा हुआ है, ये दिख सिंपल रहा है, ये अपने अंदर बहुत कुछ लेके बैठा है, और यकीन मानिए इतना कुछ लेके बैठा है कि अगर इसको
यूज करना शुरू करोगे तो यूज करना करते रह जाओगे, पूरी जिंदगी यूज नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा ही यूज होता है, बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा। लगभग हर तीसरे क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ये यूज होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसे हम बोलते हैं सर्वसमिका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सर्वसमिका कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये जो फॉर्मूला है, ऐसे ही तीन फॉर्मूले हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी इंग्लिश में भी, इंग्लिश में आइडेंटिटी। ओके, तो आइडेंटिटी, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सर्वसमिका। ठीक है, इसे याद कर लेना, सर्वसमिका या आइडेंटिटी। कल इस पे काफी जो है कि आपको जीरो से सिखाया जाएगा, काफी सारी चीजें इसमें बताऊंगा मैं आपको, तो अच्छे तरीके से इसको यूज करना। अब थोड़ी बात हो जाए, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, 2 मिनट बचे हैं। खाली आप ही दोनों जुड़े हो और बाकी सब कहाँ गए? ये विनय विनय जुड़े थे, गायब हो गए क्या यहां से? चलिए थोड़ा वीडियो कर लेते हैं कॉल, आपको ही परमिशन दे देते हैं। आपकी तैयारी सही चल रही है सर? सही। क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे इसके? कह रहे सर? कह रहा हूँ इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो पहले की एक्सरसाइज के हैं? नहीं अभी करे नहीं, बट कर लूंगा। इजी है ना, कठिन तो नहीं है वाला चैप्टर, नहीं सर, नहीं। आराम से पढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप करते जाएंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल। ना तो चलिए लगे रहिए। परसों क्यों नहीं आए थे? अच्छा, परसों सर मैं चला गया था, बाहर गया हुआ था, इस वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया था। मैंने चलिए सर बहुत अच्छा है, तैयारी करते रहिए। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैथ से नहीं होगा, साइंस बहुत जरूरी है। अगर साइंस नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो ये चैप्टर करने के बाद हम साइंस करेंगे। ठीक है ना? यस सर बाकी साइंस तो पढ़ रहा हूँ सर, वैसे भी आपकी वीडियो देख के। हाँ, वीडियो का भी यूज कर सकते हो, वीडियो का कुछ ओके दिया। यस सर। अरे फॉर्म की डेट तो एक्सटेंड हो गई, लोग कह रहे हैं कि इस बार शायद कैंसिल हो जाएगा पेपर, ऐसा है क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 साल वो खाली थोड़ी रखेंगे कॉलेज को, लेट होगा लेकिन होगा एडमिशन, लेट होगा लेकिन एडमिशन होगा। ऐसा नहीं होता है कि एडमिशन कैंसिल हो जाए, 1 साल तक क्या खाली रहेगा क्या कॉलेज? गैप ईयर नहीं होता कभी। अच्छा, ये फॉर्म निकलेगा जल्दी, लोग कह रहे थे पेपर जल्दी हो जाएंगे। हाँ पेपर जल्दी हो जाएगा, टाइम कम।